गुड थिंग है। अब हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। जितने लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पर बेसिकली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद सेक्स डिटरमिनेशन ये सब हमने पढ़ा। तो जो जनरल पैटर्न है यहाँ पर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का वो तो हम लोग समझे ही, बट एट द सेम टाइम अब कुछ ऐसा भी हमें इनहेरिटेंस पैटर्न मिला जहां पर ये जो क्रोमोसोमल वाला प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वहां पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा, क्रोमोसोमल वाला प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन को जब स्टडी किया गया तो हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मिला जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये अब पहले वाले इनहेरिटेंस से अलग है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाम ही के क्लियर है कि इनहेरिटेंस ड्यू टू एनी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर कहने का क्या मतलब कि अगर हम देखें तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है उसमें जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब जो हम इनहेरिटेंस अभी तक पढ़ रहे हैं इट इज ऑल रिलेटेड टू न्यूक्लियस। लेकिन मान लो कोई भी ऐसा कंडीशन आए जिसमें जो जीन है दैट जीन इज नॉट लोकेटेड इन न्यूक्लियस रादर इट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, देन दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। मतलब क्या, मान लीजिए कि अगर आप किसी सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें तो सबसे कॉमन है कि ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जीन है, क्रोमोसोम है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए होता है। एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में भी तो डीएनए होता है और कुछ डीएनए कभी कभी फ्रीली भी पाए जाते हैं साइटोप्लास्ट। तो इफ डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लास्ट, इफ डीएनए इज देयर इट क्लियरली मींस दैट इट विल बी हैविंग सम जीन्स। So if any inheritance is related to these genes, the genes which are located in cytoplasm, then we can call it cytoplasmic inheritance, or we can also call it outside the nucleus. इसके लिए एक और term है extra nucleus, इसको हम लोग cytoplasmic inheritance भी कह सकते हैं और साथ ही साथ extra nuclear inheritance भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो factor है that is not in nucleus, it is outside, extra, outside nucleus, so we can call it extra nuclear inheritance. अब मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रहा हूं, वहां से हम समझेंगे इसको थोड़ा और। मान लीजिए कि कोई एक मेल है, मेल ने यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया, फीमेल है, फीमेल ने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। सपोज ये जो मेल गैमेट है यहाँ पर, इस मेल गैमेट में हम लोग देख रहे हैं इसके पास दो जीन है जिसमें से ए जीन उसके साइटोप्लाज्म में है और बी जीन यहाँ पर न्यूक्लियस। उसी तरह से इस फीमेल गैमेट में भी एक जीन सी जीन इसके साइटोप्लाज्म में है और डी जीन इसके न्यूक्लियस में। अब मान लीजिए कि इस दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब पूछा जाए कि इस जायगोट में कौन कौन सा जीन होगा, इस जायगोट में कौन कौन सा जीन होगा
तो मान लो अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऐसे, तो पूछा जाए कि ये जो जाइगोट बना है यहाँ पर, इस जाइगोट में कौन कौन से जीन्स होंगे, इस पांच ऑप्शन में से देखकर आंसर होना चाहिए सर, लास्ट वाला होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला होना चाहिए। और क्या बोले सेकंड, किसने क्या बोला? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वाला ना, बी, बी प्लस सी प्लस डी। यस सर। और कोई आंसर, एनी अदर आंसर? सर डी, डी। एनी अदर आंसर? सर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, कॉल डी। देखिए यहाँ पर हम लोग इतने सारे कंडीशंस को देख रहे हैं, एक ने सही बताया है, जिसने ये आंसर, समझते हैं कैसे, जब किसी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को आप देखोगे तो ऑलवेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस इज शेयर्ड बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बट साइटोप्लाज्म इज शेयर्ड ओनली बाय द फीमेल। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल का पूरा सेल इसके अंदर नहीं आता, मेल गैमेट सिर्फ अपने न्यूक्लियस को डोनेट करेगा, जबकि उसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट बाहर ही रहे। तो जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर आना है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में न्यूक्लियस इसका भी और न्यूक्लियस इसका भी, जबकि साइटोप्लाज्म सिर्फ इसका है। तो इस जायगोट में अगर न्यूक्लियस यहां से भी आया तो ये कौन सा जीन आया? बी। लेकिन इसने ए जीन तो नहीं लाया, यहाँ पर दोनों जीन रखा है, सी भी है और डी भी है, इसका मतलब बी सी डी, ये जो हम लोग देख रहे हैं इतने जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ए जीन नहीं होगा। रीजन इज दैट ए जीन इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेल गैमेट। स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस इज शेयर्ड बाय बोथ बट साइटोप्लाज्म इज शेयर्ड ओनली बाय फीमेल गैमेट। अब इसको अगर इस केस में यहाँ देखें तो ये जो जायगोट जो प्रोडक्ट है इसके लिए ये इसका फादर हुआ और ये मदर हुआ, तो ये कौन सा साइटोप्लाज्मिक जीन इसके अंदर आ रहा है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ वो साइटोप्लाज्मिक जीन आया है जो इसकी मदर में प्रेजेंट है। इसी कारण से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज़ इन दिस केस ओनली दोज कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन व्हिच वेयर प्रेजेंट इन फीमेल पेरेंट। जो फीमेल पेरेंट में प्रेजेंट था वही कैरेक्टर अगले जनरेशन तक गया है, इसीलिए हम लोग इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी। स्टेटमेंट इसका लिख लो, चलिए नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट्स। कैसे लिख लो, पहले क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस लिखना और तब इस ऑप्शन को सही करना। The type of inheritance which is followed for
और जीन्स प्रेजेंट इन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब हो जाता है सिर्फ फ्लूइड नहीं, फ्लूइड भी और स्ट्रक्चर भी। अलग से माइटोकॉन्ड्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, क्लोरोप्लास्ट बोलने की जरूरत नहीं है, उसके साथ इंक्लूड हो गया। जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। These are genes outside nucleus. Genes outside nucleus. So also called as extranuclear inheritance. ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस न्यूक्लियर कह रहे हैं। एट द सेम टाइम वी कैन यूज वन मोर टर्म एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस इंस्टेंस। ये मैटरनल इनहेरिटेंस है क्योंकि मदर में जो कैरेक्टर है साइटोप्लाज्मिक वो तो इनहेरिट होगा अगले जनरेशन में, लेकिन फादर वाला नहीं होगा, इसीलिए हम इसको मैटरनल इनहेरिटेंस ठीक है। सर एक बार पढ़ दिए सर प्लीज, दिख नहीं रहा है सर, एक बार पढ़िए ना सर, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कुछ कुछ वर्ड। द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज फॉलोड फॉर जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दीज आर जीन्स आउटसाइड न्यूक्लियस, सो ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। Next point, देखो, infertilization nucleus is shared by both male and female gametes. By both male and female gametes, whereas cytoplasm only by female gametes. So only those cytoplasmic genes. So only those cytoplasmic genes can be inherited which is present in female parent. Present in female parent hence called as maternal inheritance. Called as maternal inheritance. तो इस तरह से हम लोग यहां पर इसको maternal inheritance भी कहेंगे, ये चीज हमने समझा।
देखिए आप इसके एग्जांपल्स को समझते हैं कि हम इसके लिए क्या एग्जांपल्स देख सकते हैं। देखो सबसे फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, एंड दिस एग्जांपल इज फॉर कप्पा पार्टिकल्स इन इन पैरामीशियम। समझेंगे इस एग्जांपल को, मिटा दूं मैं इसको। देखिए अब अगर हम पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल की बात समझे, तो ये जो कप्पा पार्टिकल है पैरामीशियम के केस में, पैरामीशियम के कई सारे स्पीसीज होते हैं। सबसे कॉमन स्पीसीज है पैरामीशियम कॉर्डेटम, लेकिन ये उसमें नहीं होता है, ये एक दूसरा स्पीसीज है पैरामीशियम ऑरेलियाई। इन केस ऑफ पैरामीशियम ऑरेलियाई यू कैन फाइंड टू स्ट्रेन, द वन इज सेड टू बी किलर। दो तरह का है, इसको कहते हैं किलर और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेंसिटिव। अभी किलर और सेंसिटिव का मतलब क्या है? इस किलर में अगर आप मान लो कि ये एक पैरामीशियम है, इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम में पता होना चाहिए दो न्यूक्लियस होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस को कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस और स्मॉल को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके साथ साथ पैरामीशियम जो है वो सिलिका का एग्जाम्पल है, इट हैज वेरी हाई नंबर ऑफ सिलिया, तो ये सिलिया इसके सरफेस पर इस तरह से प्रेजेंट। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो किलर स्ट्रेन हम जिसको कह रहे हैं, उसके कंडीशन में यहाँ पर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए पाया जाता है, और ये जो यहाँ पर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसी को हम लोग कहते हैं कप्पा पार्टिकल। देखिए अब ये डीएनए है, तो डीएनए है तो इसमें कुछ जीन्स ये करता होगा, तो इसका कुछ फंक्शन होगा, तो ये जो ये कुछ ना कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा इफ इट इज हैविंग सम जीन, तो ये यहाँ पर कुछ टॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो टॉक्सिन्स हैं, बाय यूजिंग दिस टॉक्सिन नाउ दिस पैरामीशिया कैन किल इट्स प्रे और इट कैन किल अदर पैरामीशिया। वो या तो अपने प्रे को जिसको पर उसको खाना है उसको वो किल कर सकता है, या ये इस सेंसिटिव को भी किल कर सकता है। अब सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सब कुछ तो वैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या हम देख रहे होंगे इसके कंडीशन में, यहाँ पर ये कप्पा पार्टिकल नहीं है। कप्पा पार्टिकल नहीं है इसका मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस सच टॉक्सिन, यहाँ कोई टॉक्सिन नहीं बनेगा, ये किसी और को किल नहीं कर सकता, हम खुद किल हो सकता है। समझ रहे हैं इसको? तो अब इसको हम इनहेरिटेंस के पैटर्न पे समझें। देखिए क्या इनहेरिटेंस है, मान लो कि अगर हम लोग देखें कि जो किलर है वो मेल है और जो यहां पर सेंसिटिव है वो मान लो फीमेल है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी सेंसिटिव। जस्ट उल्टा क्रॉस देखो, जो किलर है वो फीमेल है, जो सेंसिटिव है वो मेल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो जो प्रोडक्ट आता है वो किलर है। देखिए यहां पर हम लोग अगर इस दो कंडीशन को देख रहे हैं, तो दिस टू आर द रेसिप्रोकल क्रॉसेस, किलर और सेंसिटिव के बीच में ही क्रॉस है। यहाँ पर मेल था किलर, फीमेल किलर, सेंसिटिव यहाँ पर फीमेल थी, तो इसको यहाँ पे दे दिया गया मेल, बट दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर एक और ऐसा एग्जांपल मिला जिसमें रेसिप्रोकल क्रॉस में डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस रेसिप्रोकल क्रॉसेस गिव सेम रिजल्ट, इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रेसिप्रोकल क्रॉसेस गिव डिफरेंट रिजल्ट, in cytoplasmic inheritance reciprocal process give different
यहाँ भी डिफरेंट मिला, सेक्स लिंकेज में भी डिफरेंट मिला था, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमेशा सेम रिजल्ट आता है। अब क्या आ रहा है, इसका जो नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फीमेल पेरेंट। यहाँ देखो फीमेल पेरेंट किलर तो किलर, फीमेल पेरेंट सेंसिटिव तो सेंसिटिव, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसको इट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। वही कैरेक्टर आया है अगले जनरेशन में जो उसके फीमेल पेरेंट में प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, कैविट बनाता है। चलो छोड़ो ये कंफ्यूजन भी होगा। पैरामीशियम में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो कैसे करता है, असेक्सुअल से। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल क्या होता है, ये जवाब है। जब मैं पहले क्लियर पूछ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल तो छोड़ो नमस्कार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में कैसे होता है, मैंने ये पूछा। कोई आइडिया किसी को नहीं? सर आइडिया है बस, आप बताए थे पाइलस से कुछ ऐसा। हाँ, हाँ, तो अच्छा। पाइलस से आप बताए थे और हम कुछ ज्यादा नाम बोलो ना उसका, इतना बड़ा टर्म बताया तो उस टर्म का नाम तो बताओ, ऐसे पाइलस प्लस कुछ बोल के निकल जा रहे हो। सर टर्म का नाम पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस का नाम है कॉन्जुगेशन। सब पढ़े होंगे क्लास 7 में भी था, 8 में भी था और 9 में कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लो कोई एक पैरामीशियम है, कोई दूसरा पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में कोई एक मेल होगा कोई एक फीमेल होगा, ये पैरामीशियम यहाँ पर सेक्स पाइलस के द्वारा यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहेंगे, उसके बाद फिर ये अलग होगा और तब दोनों अलग अलग सेल के होंगे। इस प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे होंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो तो है ही, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है और अलोंग विद दैट ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसका हम देखते हैं कि मूवमेंट हो जाए और ये मूव किया और फिर इसका फ्यूजन हो। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे उस पॉइंट पे नहीं आए, हमारा कंसर्न क्या है कप्पा पार्टिकल। तो मान लो कि अगर मेल में कप्पा पार्टिकल है और फीमेल में नहीं, तो मेल से तो सिर्फ जेनरेटिव न्यूक्लियस आया है ना। मान लो अगर इसके पास ये कैसे लिख रहा हूँ कप्पा पार्टिकल है भी तो वो नहीं गया, लेकिन अगर फीमेल में कप्पा पार्टिकल होता तब वो अगले जनरेशन में जाता। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, जब मैंने अभी आपको मैटरनल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा तो आप कैसे करो, तो जवाब ये होना चाहिए पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन होने में भी फीमेल गैमेट को वहां पे वैसे ही परसिस्ट करेगा ना, उसमें तो सिर्फ मेल से न्यूक्लियस आया तो अभी भी तो न्यूक्लियस मेल का आया, मेल का साइटोप्लाज्म तो नहीं आता है। जब मेल का साइटोप्लाज्म आता ही नहीं है तो मेल का कैरेक्टर कैसे चला जाएगा। तो कॉन्जुगेशन है लेकिन ट्रांसफर यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक जीन का नहीं होता है, इसीलिए ये मैटरनल इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये सब नहीं बोल देंगे कि गैमेट बनेगा तो गैमेट से न्यूक्लियस जाएगा मेल का नहीं है, सिर्फ मेल का साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा ऐसा नहीं बोल। राइट ऑफ सम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखना है समझ में आया है आप? Yes, sir.
पैराबिशियम सेक्सुअल takes place through conjugation. In this case also, cytoplasm is of female cell only. So तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी एक एग्जांपल पढ़ते हैं, हमें सेकंड एग्जांपल बताना। सेकंड एग्जांपल है सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। स्नेल्स तो समझते होंगे, घोंगा घोंगा। हाँ, अगर आप घोंगा को देखोगे तो उसके पास में जो उसका कमर है ना शेल, जो कमर है उसको कहते हैं शेल। तो शेल पे अगर आप देखोगे, ध्यान से कभी देखा हो, ठीक है, ध्यान से कभी देखा हो, वो हमेशा ऐसे टू एंड हाफ फाइल होता है, मतलब एक फाइल यहाँ से पूरा, दूसरा पूरा और तीसरा जो होता है वो आधा होता है। तो ये ऐसे फाइल होगा या ऐसे फाइल, ऐसे मतलब ऐसे मतलब क्या, इस फाइलिंग को आप देखो तो ये कैसा होना है, राउंड, ये होना है क्लॉक वाइज, it is clockwise filing and it is anti-clockwise filing. जो clockwise filing है उसको हम लोग कहते हैं dextral। अब close कर लो ना जिसका आवाज नहीं आ रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं sinistral। देखो dextral हम लोग देख रहे होते हैं कि dextral का मतलब हो गया clockwise filing और sinistral का मतलब हो गया anti-clockwise filing। अब मान लो कि ये जो दो फाइलिंग है, अब मान लो कि दो सेल के बीच में प्रोडक्शन हुआ, बैचिंग हुआ और प्रोडक्ट बनी है, तो ये जो फाइलिंग का जो जीन है वो कहाँ है लोकेटेड, साइटोप्लाज्म में, अभी तो यहाँ पर ना है। तो इसीलिए मान लो कि अगर हम लोग देखें कि मेल टेक्सचर है, आप खुद ही लिख सकते हो, और क्रॉस कर रहा है फीमेल सिनिस्ट्रल से, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिनिस्ट्रल। सेकंड कंडीशन, अगर मेल यहां पर सिनिस्ट्रल है, क्रॉस किया किसके साथ, फीमेल डेक्सट्रल के साथ, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, म्यूट करो, म्यूट कर लो, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैसेज कर दो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। डेक्स्टर और सिनिस्टर में आप हम लोग क्या देखे, यहां पर फीमेल सिनिस्टर तो प्रोडक्ट सिनिस्टर, यहां पर फीमेल डेक्स्ट्रल तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रल। तो ये यहां पर एग्जांपल हो गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्नेल के कंडीशन में जो सेल फाइलिंग जो कैरेक्टर है, इट इज आल्सो अंडर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ड्रॉ कर लीजिए, एक और एग्जांपल बता रहा हूं। कनेक्ट हो गया,
चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फाइनल होगा इनका एक। इट इज फॉर वेरिएटेड लीफ कलर। वेरिएटेड लीफ कलर समझते हैं? यस सर। हाँ, मिराबिलिस जलापा ये किसमें है? तो एक ब्रांच है, नाम क्या था ना, मिराबिलिस जलापा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फोरोक्लॉक प्लांट। वेरिएटेड लीफ कलर का मतलब है कि मान लो उसके आप लीफ को देखोगे ना, तो इसके लीफ में आप पाओगे कि यहाँ पर इसके सरफेस पर कुछ कुछ छोटे छोटे पैचेस हैं अलग अलग कलर, कुछ येलो पैच है, कुछ मैरून पैच है, कुछ रेड पैच है, कुछ व्हाइट पैच है। अगर ऐसा पैच कलर हो तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएटेड लीफ कलर। अब देखिए यहाँ पे लीफ को ही कलर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो वेरिएटेड लीफ कलर है इसके जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, दैट जीन इज प्रेजेंट इन प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडियल जीन। और जब भी ये प्लास्टिडियल जीन हो गया इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक हुआ, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आया इसका मतलब मैटरनल इनहेरिटेंस को ये फॉलो। तो तीन एग्जांपल हम लोग यहाँ पढ़े, एक था कप्पा पार्टिकल, दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़े यहाँ पर शेल कॉइलिंग, और तीसरा एग्जांपल पढ़े वेरिएटेड लीफ कलर। बार बार जब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएटेड को फिर से हम लिख लें डेयर ऑफ सेल कंडीशन। सर हम लोग में कोई एग्जांपल नहीं है सर, ह्यूमन बीइंग में नहीं, ह्यूमन बीइंग में नहीं है। अरे 3,75,000 स्पीशीज में से हम लोग एक हैं। ये हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत महान हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 3.75 लाख स्पीसीज है, उसमें से एक स्पीसीज हम लोग नहीं है, बाकी सब बहुत स्पेशल। तो हो सकता है कि नहीं एप्लीकेबल, बाकी के लिए बहुतों के लिए एप्लीकेबल है, वो क्या को एप्लीकेबल हो। अब वैसे क्या अभी अब इस कोरोना के बाद लोगों में अपना जीवन का घमंड कुछ कम होगा, कि हम लोग अपने मन से बोल दिया है ना कि हम लोग सबसे एडवांस्ड है, हम लोग सबसे काबिल है, ऐसा थोड़ी है। आप एक रियलिटी देखो, एक बैक्टीरिया भी है जो दिखता भी नहीं है, उसमें भी ये एबिलिटी है कि वो ग्लूकोज बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बैक्टीरिया में ये एबिलिटी है कि वो हम लोग को बायोगैस बनाकर दे सकता है, जिससे हम लोग घर में बल्ब जला सकते हैं। हमारे बॉडी में कोई ऐसा है कि हम बना सकते किसी दूसरे में काम आ सकता है? तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने डिफाइन किया। इसीलिए कभी बैक्टीरिया से पूछो, कभी किसी फंगस से पूछो, किसी प्लांट से पूछो, एल्गी से पूछो, तो पता चलेगा कि कौन सुपीरियर है। एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक है, इतना अच्छा फोटोसिंथेसिस करता है, इतना ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसके ऑक्सीजन से खुद माइक्रोस्कोपिक है, पानी के सरफेस पर है, और पूरे ओशन में इतने बड़े बड़े जो फिश है, व्हेल है और शार्क है, उन सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसकी एबिलिटी ज्यादा है ना, अगर हम अपने देखने के नजरिया को चेंज करें, उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सारा कुछ हम लोग इसमें ऑब्जर्व करें। अब हम आ रहे हैं और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहे हैं, दैट इज म्यूटेशन। एक नॉर्मल पैटर्न तो हुआ कि भाई ऐसे इनहेरिटेंस है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ एक्सेप्शंस, कुछ न कुछ एब्रप्ट, कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी आ। तो म्यूटेशन भी अब उसी तरह का एक एबनॉर्मल केस, अनडिफाइंड केस है। तो म्यूटेशन का बेसिक डेफिनेशन ही है कि इट इज सडन इनहेरिटेबल चेंज। सडन सडन कहने का मतलब है कि इसका ट्रेंड हमें पहले से नहीं पता, ऑल ऑफ सडन कोई चेंज हो गया, और जो चेंज हुआ
अगली जनरेशन में भी इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अगले जनरेशन में, तब हम लोग कह देंगे कि ये एक टाइम का म्यूटेशन। तो पहला क्या हुआ कि ये चेंज है, दूसरा क्या हुआ कि ये इनहेरिटेबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल ले इसके बारे में, जब लेमार्क ने कहा कि जो जिराफ का पॉपुलेशन है उसमें से कुछ जिराफ जो है उन्होंने एक चेंज किया, उन्होंने गर्दन लंबा किया और किस कारण से वो ऐसा हुआ कि अगला जनरेशन ऐसा। डार्विन ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं था। इन दैट पॉपुलेशन ऑफ जिराफ, दैट पॉपुलेशन ऑफ जिराफ सम वेरिएंट्स वेर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब वहां पे कुछ वेरिएंट पहले से ही प्रेजेंट था और तब नेचर ने इसमें एक सिर्फ उसको सिलेक्ट किया। अब आप इसको लेमार्क के रिस्पेक्ट में देखो कि लेमार्क ने क्या कहा कि वहां पर जब कंडीशन हुआ तो इसके कारण एनवायरमेंट के कारण कुछ चेंज आता है और उस चेंज को हम लोग अगले जनरेशन में इनहेरिट करते हैं। हम लोग हमेशा नॉर्मली ऐसे ही मानते भी हैं, लोग सोचते भी रहते हैं और पिछला जनरेशन में ऐसा हुआ तो इसीलिए अगले चेंज हुआ तो अगले जनरेशन में ऐसा। इस चीज को एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया गया वैलिस ने, और वैलिस ने बताया कि अच्छा ऐसा है कि एक जनरेशन में एनवायरमेंट जो चेंज लाता है तो अगले जनरेशन में इंक्रीज। उन्होंने एक चूहा लिया और उस चूहे का पूंछ काट दिया, ठीक है। अगले ने कहा कि ये चूहा इट इज अ सिस्टम, इट इज अ लिविंग बॉडी, आई एम इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का कोई डेफिनेशन यही है कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो कुछ भी है वो एनवायरमेंट है। तो ये चूहा जो हुआ ये सिस्टम, आई एम इट्स एनवायरमेंट एंड आई एम मेकिंग अ चेंज, मैं उसके टेल को कट कर रहा हूं। तो ये इसका मतलब है कि अगर ये चेंज किया एनवायरमेंट ने तो अगले जनरेशन में ऐसा चाहिए, वो चूहा जो है वो बिना पूछ का पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अगले जनरेशन में उन्होंने कट किया, उन्हें 10 जनरेशन तक रैट ने कट किया पूछ को, लेकिन हर बार जो नया रैट आ रहा था वो रैट हमेशा के बिना पूछ के नहीं बल्कि नॉर्मल पूछ के साथ आ रहा था। तब उन्होंने कहा कि वायरस के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इस बात को बताया कि ऐसा नहीं है कि ऑल चेंजेस आर इनहेरिटेबल, कोई भी चेंज हम कर दे तो वो इनहेरिटेबल हो जाएगा। मान लो कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंटली हाथ कट गया तो वो क्लियर से जैसे हाथ कटा हुआ उसके जो बच्चे होंगे, यस ऑल चेंजेस आर नॉट इनहेरिटेबल। ए लिविंग बॉडी हैज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वन इज सोमेटोप्लाज्म एंड सेकंड इज जर्म प्लाज्म। एक सोमेटोप्लाज्म होता है और एक जर्म प्लाज्म। हम लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, मान लो कि मैंने आपको देखा कि हाँ आप ऐसे दिख रहे हैं, मैं ये मनीष है, इसके ये हाथ है, पैर है, ये फेस है, ये आवाज है, दैट इज इट्स सोमेटोप्लाज्म। उसका ये आई ऐसे क्यों है जिस फैक्टर के कारण है, उसका स्किन कलर जिस फैक्टर के कारण है, उसकी आवाज जिस फैक्टर के कारण है, जिस जीन के कारण है, उसको हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म। जैसे सोमेटोप्लाज्म तो हो सकता है कि मेरा और मेरे ग्रैंडफादर का भी सेम, उनका जो आई कलर था वही आई कलर था, तो सोमेटोप्लाज्म तो सेम है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखे ये सोमेटोप्लाज्म क्यों सेम हुआ, क्योंकि वहां से जर्म प्लाज्म मेरे तक आया अभी भी सेम हुआ। मतलब हम जो सोमेटोप्लाज्मिक चेंज है that cannot be inherited, but if the change has taken place at germplasm, then definitely it will be inherited. और उसी चेंज को उसी germplasm में अगर कोई सडन चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, because if that change has taken place in germplasm, then it must be inherited to next generation. इसीलिए हम लोग ऐसे inheritable sudden चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। ये हो गया जनरल सुपरफिशियल डिस्कशन। अब अगर हम बात करें कहीं पर किसी ऑर्गेनिज्म में तो ये चेंज हुआ है जल कर, कहां चेंज हुआ, तो चेंज तो कोई लेवल पर हम स्टडी कर सकते हैं, या तो इसके क्रोमोसोम में चेंज हुआ होगा या इसके जीन में चेंज हुआ होगा। तो अगर क्रोमोसोम में चेंज हुआ हो तो इसे हम लोग कह देंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और अगर जीन में चेंज हुआ हो तो इसे हम लोग कहेंगे जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन ये हमारे पास दो कॉमन टाइप ऑफ म्यूटेशन है
हम लोग एक एक करके इससे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो लिखिए म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज as a sudden inheritable change. It is the basic factor working for variation. It is the basic factor working for variation. Next point. All changes in an organism. All changes in an organism can't be inherited. Next, change in germ plasm can only be inherited. जो जर्म प्लाज्म में चेंज है वही इनहेरिट होगा, सोमेटोप्लाज्म का चेंज इनहेरिट नहीं होगा. और जर्म प्लाज्म में सिंपली मींस द जेनेटिक कंपोनेंट, जो भी वहां जीन कंपोजिशन है, जीन्स है, एलील्स है, सब प्रेजेंट है, उसमें अगर चेंज स्टेटमेंट लिखिए, अगर हम लोग इस म्यूटेशन करके फर्स्ट है क्रोमोसोमल म्यूटेशन. अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन हेडिंग दीजिए और इसमें हम लोग समझते हैं ये कैसे. देखिए होंगे देखो, अब अगर हम किसी भी एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में देखें तो क्रोमोसोम में चेंज कैसा चेंज हो सकता है भाई. तो मुझे यहाँ पे दो चेंज समझ में आ रहा है. एक हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है इसके नंबर में चेंज आया हो. अगर इसके नंबर में चेंज आया है तो उसे हम लोग कह देंगे कि इट इज न्यूमेरिकल म्यूटेशन. चेंज इन नंबर न्यूमरस न्यूमेरिकल. अगर मान लो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया है तो उसे हम लोग कह देंगे एबरेशन. स्ट्रक्चर में कोई चेंज है तो कह देंगे एबरेशन. अब न्यूमेरिकल चेंजेस अगर हम देखें केवल नंबर में चेंज है तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका दो केस हो सकते हैं, एक है यूक्लोइडी और दूसरा केस हम लोग कह सकते हैं एन्यूक्लोइडी. क्या इसका मतलब है, यू का तो मतलब भी होता है ट्रू. तो ट्रू क्लाइडी कहने का मतलब है कि नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हैप्लोइड, डिप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड. तो जो चेंज है नॉर्मल नंबर रहता है डिप्लोइड. अब अगर उस डिप्लोइड से चेंज होकर या तो वो हैप्लोइड बन जाए या ट्रिप्लोइड बन जाए, टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड, पेंटाप्लोइड, कुछ भी ऐसा हो जाए. लेकिन जो चेंज होना चाहिए दैट चेंज मस्ट बी इन
एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट, बिल्कुल हैप्लॉइड सेट के एग्जैक्ट मल्टीपल पे अगर चेंज हो रहा है तब हम उसे कहेंगे यूप्लॉइडी। और अगर हम देखें कि ये चेंज एग्जैक्ट मल्टीपल में नहीं है, उसमें एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम कम ज्यादा हुआ है, तो हम उसे कहेंगे एन्यूप्लॉइड। उसी तरह से अगर हम एबरेशन की बात करें तो एबरेशन का भी बहुत सारा टाइप हो सकता है। मैं कुछ पहले से लिख दे रहा हूँ और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे यूप्लॉइड। अब ये चूंकि एक चार्ट लिख रहे हैं तो कुछ कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। यूप्लॉइडी में होता है जैसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, सब हम पढ़ेंगे। अगर एनिप्लाइडी है तो उसका बहुत सारा केस हो सकता है, जैसे होता है ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलिसोमी, सब नाम अभी आएगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। अगर एबरेशन की बात हो तो एबरेशन में बहुत सारा टर्म आ सकता है, जैसे डिलीशन हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, सब बहुत सारा टाइप है। तो पहले सिंपल यहाँ लिख लो कि वो चार्ट कंप्लीट हुआ और यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं यूप्लॉइडी से। सर यूप्लॉइडी में ऑटो पॉलीप्लॉइडी के नीचे क्या लिखे हैं सर? एलो। हाँ आप ऑटो के बाद एलो और उसके बाद लिखा हुआ है ऑटो है। सर एन्यूप्लॉइडी में लास्ट में क्या लिखते हैं? एन्यूप्लॉइडी का नलिसोमी, NULLI, नलिसोमी। चलिए अब हम लोग फर्स्ट टाइम से पढ़ना शुरू कर रहे हैं न्यूप्लॉइड। न्यू मीन्स ट्रू। इसमें लिखेंगे the change in chromosome number is in exact multiple of
एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ एम्प्लॉयड सेट. अब यूक्लाइडी का मतलब है कि अगर जो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, दैट चेंज इज ए एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉयड सेट. देखो अब इसमें यूक्लाइडी को हम लोग कुछ एक कॉमन एग्जांपल लेकर समझे, मिटा रहा हूं इसको. मान लीजिए कोई भी एक क्रोमोसोम है, एक सेल है, उसमें पहले ए ए क्रोमोसोम है और किसी प्रोसेस के द्वारा अगर ये चेंज होकर ए ए ए ए बन गया, तो ये जो चेंज है इस चेंज को हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का यूक्लाइडी है. लेकिन ये चेंज कैसे हुआ होगा? आपके माइंड में कोई प्रोसेस ऐसा आ रहा है कि ये डबल था, डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड बन गया. व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व हियर? कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये हो सकता है? याद करके देखिए सर. डुप्लीकेशन कर सकता है. नाम सुने हो डुप्लीकेशन का? आज के पहले रेप्लिकेशन. आज के पहले अभी यस सर आप सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ाए थे, डुप्लीकेशन हमको बताए थे, हम पढ़े थे कि जीनोम का डुप्लीकेशन होता है. अच्छा, अब ऐसे मुझे ही गेस कर दो यार. सर बताए तब बोल रहा है सर. कॉपी निकाल लेना, चेक कर लेना. सामने ही कॉपी छूट गया सर. हाँ, अब देख लेना. अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि ए ए से ये ए ए ए ए बना है, इसका मतलब ये क्रोमोसोम डबल हुआ है. क्रोमोसोम के डबल होने का प्रोसेस है, उसका एक ही प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है एंडोमाइकोसिस. और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है. एंडोमाइटोसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रोमोसोम, अगर पहले मान लो किसी के पास 10 क्रोमोसोम है तो दैट कैन बिकम 20. इस प्रोसेस को मैंने सेल डिवीजन में पहले भी बताया हुआ है लेवल में. यहाँ पर वो क्या देख रहे हैं कि समझते हैं कि एंडोमाइटोसिस क्या है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एंडोमाइटोसिस बहुत गलत समझते हैं 90% केसेस में. एंडो का मतलब इनसाइड माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो जाता है एंडोमाइटोसिस. एंडोमाइटोसिस का मतलब है कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये मेटाफेज में है. इस मेटाफेज में मान लो इसके पास 4 क्रोमोसोम था, तो ये चारों क्रोमोसोम इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज. यहाँ पर है सेंट्रियोल और यहाँ पर है सेंट्रियोल. इससे निकलने वाला है स्पिंडल फाइबर, यहाँ से कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया. नॉर्मली क्या होता है मियोसिस में, ये जो यहाँ पर है वो सेपरेट आउट होगा, ब्रेक करेगा और ब्रेक करके अलग. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एंडोमाइटोसिस का एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं सी माइटोसिस. मान लो कि कोई एक सेल मेटाफेज में पहुंचा, पहुंचने के बाद इसमें डाल दो फॉल्चिसिन. दिस फॉल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ फॉल्चिकम ऑटमनेल. एक प्लांट है उसका नाम है फॉल्चिकम ऑटमनेल. उसके बाद से हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है फॉल्चिसिन. और इस फॉल्चिसिन को हम लोग कॉमनली कहते हैं यहां पर, ये एक तरह का माइटोटिक
पॉइजन है। क्यों कहते हैं माइटोटिक पॉइजन? क्योंकि इस कॉल्चिसिन को अगर आप डालोगे तो ये सारा का सारा स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा। स्पिंडल फाइबर ही जब टूट गया, इसका मतलब ये सेंट्रियोल अब इसको नहीं खींच सकता। नहीं खींच सकता मतलब क्या, ये जितने भी क्रोमोसोम है वो ब्रेक नहीं करेंगे। None of the chromosome will get broken. जब वो ब्रेक नहीं करेगा तो कोई एक क्रोमोसोम के बारे में सोचते हैं तो क्या करेगा। अब ये जो क्रोमोसोम है ये अभी मेटाफेज में है, लेकिन इसके पहले प्रोफेज के, इसके पहले इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन किया हो, तो उसके पास जो डीएनए था दैट डीएनए इज डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो उस डबल अमाउंट ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेट करने के बाद भी उसी के ऊपर फाइल था, तो एक कॉपी ये अपने पास रख लेता है और एक कॉपी को यहां से सेपरेट कर देता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन बना था एस फेज के एंड पे, वही हिस्टोन प्रोटीन आगे यहां पर एसोसिएट होता है, और एसोसिएट होकर हम लोग देख रहे होंगे कि ये एक नया क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो पहले यहाँ पर क्रोमोसोम था ही, अब हम लोग देखें कि जो सरप्लस था इसके पास डीएनए, दैट सरप्लस डीएनए गॉट सेपरेटेड एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन एंड नाउ इट इज फॉर्मिंग वन मोर क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम एक नया क्रोमोसोम को बनाया, 10 है तो 10 नया बनाया, क्रोमोसोम नंबर डबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां एंडोमाइटोसिस हुआ, नॉर्मल माइटोसिस नहीं हुआ। हमने इसको लैबोरेटरी में इंड्यूस किया। कैसे इंड्यूस किया? कॉल्चिसिन यूज करके। जो कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड माइटोसिस इज कॉल्ड एज सी माइटोसिस, दैट इज अनदर टर्म फॉर एंडोमाइटोसिस, एंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग। ठीक है, तो ये यूक्लाइडिंग का सबसे कॉमन तरीका है करने का, सी माइटोसिस। कॉल्चिसिन अगर हम डाल देंगे सेल में तो मेटाफेज के लेवल पर, और प्रोफेज के एंड पे रखो या मेटाफेज में डालो, तो उस समय इसके बाद के प्रोसेस को रोक देगा और इस कारण से क्रोमोसोम नंबर। समझ रहे हैं? कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले सकते हैं। सर ये बताए थे सर, सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ाए थे, तो ये थोड़े होगा, नीट का क्वेश्चन आएगा, गलत करके आ जाओगे, उसके बाद में तुम नीट वाले को मेल करोगे, सर बताए थे। इसको बताया गया था कि हम बता रहे थे, बताया गया था कि ये क्या है एंडोमाइटोसिस में लेवल में सिर्फ पढ़ा चुका सर, यहाँ आप उसको समझ पाइएगा। तो समझ रहे थे एंडोमाइटोसिस को सर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि यूक्लाइडी का जो पहला कंडीशन है ऑटो पॉलीन्यूक्लाइडी, ये यहाँ पर एंडोमाइटोसिस के द्वारा हो सकता है। मिटा दूंगा और लोग नहीं बोल रहे हैं। अमन है कि आज क्लास में? अमन हो? यस सर। देखिए तो आज पार्टिसिपेंट्स क्लास में भी कम दिख रहा है कि ओनली 9 दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स, नेटवर्क का इशू है। अभी क्या पटना का वेदर खराब है? यस सर, और अभी भी सेशन चल ही रहा है, लाइव सेशन। एलो पॉलीन्यूक्लाइडी का मतलब है कि मान लीजिए अगर ए ए है
और इससे चेंज होकर हम लोग देखें कि अगर ए ए बी बी बन जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का एलो पॉलीपेप्टाइड है। एलो का मतलब ही होता है डिफरेंट और ऑटो का मतलब होता है सेम। तो पिछले वाले केस में ऑटो में क्या हुआ, अपने ही क्रोमोसोम का डबल, यहाँ पर अपना के साथ का डबल नहीं हुआ है, कुछ नया दिख रहा है डी टाइप जो इसमें नहीं था। तो यहाँ पे जरा सोच कर बताओ ये कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस हम ऐसा करें यहाँ पर ए ए से ए ए बी बी हो सकता। मान लो कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था पहले ए ए, अगर हम इसको क्रॉस फर्टिलाइज कर दें, हाइब्रिडाइज कर दें इसके साथ डी बी के साथ, तो इसका जो गैमेट होगा वो ए होगा और इसका गैमेट क्या होगा बी। इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ए। ए बी कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ए का भी पेयर नहीं है और बी का पेयर नहीं है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम। लेकिन ए बी आने के बाद अगर हम इसको अप कर दे एंडोमाइटोसिस, तो ए बी डबल हो गया और बी भी डबल हो गया। इसका मतलब अगर हम लोगों को ए ए बी लेना है तो दो काम करना होगा। द फर्स्ट स्टेप शुड बी हाइब्रिडाइजेशन, उल्टा भी नहीं कर सकते, and second step should be endomycosis. तो पहले hybridization और second step endomycosis के द्वारा हम लोग यहाँ पर इस चीज को ऐसे change कर सकते हैं, A A से A A B B होगा, यहाँ जो product है वो अपना यहाँ पर तो नहीं increase किया, जो increase किया है वो कैसा है different है, लेकिन ये सिर्फ hybridization से नहीं बनेगा, these two steps has to be followed. Hybridization and then endomycosis. इसको draw कर दो। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, एलो पॉलीप्लेडी तक मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑटो एलो पॉलीप्लेडी और भी आगे डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल तो नहीं संडे, कल क्लास होगा उसमें हम आगे। ठीक है फिर, मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू सर।